इंडियाज अप्रोच टुवर्ड क्रूशियल ग्लोबल इश्यूज, क्रूशियल मतलब जो बहुत ज्यादा अहम है, ऐसे मुद्दे जिनका वर्ल्ड वाइड एक तरह से उनको लेकर सब लोग कंसर्न है, में कौन कौन से आते हैं, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्ममेंट्स और ग्लोबलाइजेशन। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया की अपनी एक अप्रोच कैसी है, ये जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही सैद्धांतिक तौर पर सवाल हैं दुनिया के, ह्यूमन राइट्स, डिसआर्ममेंट और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों चीजों को लेकर इंडिया की अप्रोच कैसी है, इंडिया का नजरिया कैसा है, सोच कैसी है, उसकी तरफ क्या कदम उठा रही है, ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया की अप्रोच टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या अप्रोच है। जब किसी भी इंसान का जन्म होता है उसको जो है पैदा होने के बाद कुछ अधिकार मिल जाते हैं, इसीलिए इन राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, यानी मानव अधिकार। राइट्स जो है, राइट्स यानी अधिकार, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हमारा ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है किसी भी इंसान का, एक कंप्लीट तौर पर जो विकास होता है उसमें उनके अधिकारों के कारण जो है वो अपना विकास कर पाता है। तो अधिकार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं राइट्स की मदद से एक पॉजिटिव एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे इंसान का डेवलपमेंट हो सके, उसकी अपनी कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता जितनी है और जितनी वो अपने से उम्मीद रखता है। अगर हम आपको खुला अधिकार दे दें कि हाँ भाई आपको पूरी तरह से छूट है, आप जिस तरह से भी अपने आप को क्रिएटिविटी को दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, तो क्या होगा, आपको एक अधिकार मिला हुआ है जिसके बेसिस पे आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पा रहे हैं। अब वो जो क्रिएटिविटी है वो आपकी क्षमता पे, जितनी आप उम्मीद रखते हैं अपने से उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे, तो एक तरह से पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट्स जो है वो इसी तरीके की पॉजिटिव एनवायरनमेंट है जहां किसी भी इंसान का एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। अब ये जो एनवायरनमेंट है ये ज्यादातर स्टेट्स जो होते हैं उनके द्वारा इंसान को दिया जाता है। 10th दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जहां पर सारी की सारी जितनी भी ह्यूमन राइट्स हैं वो सब उसमें शामिल करी गई। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एक्सेप्ट किया, इसका मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर हम इसको, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो था इसको क्रिएट करने का, वो था कि एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जाए जहां सारे के सारे जो नेशंस हैं दुनिया के वो अपने अधिकारों, जो भी उनको अधिकार हैं उनको वो एक्सेप्ट करें, ये जो है वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करें। और क्या है कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें, एक ऐसी सिचुएशन तैयार करें जहां सारे नेशंस दुनिया के अपने सिटीजन्स को उन राइट्स को एक्सेप्ट करने के लिए एक तरह से तैयार है, कि हाँ वो जो है उनको राइट्स दे रहे हैं और वो जो है सिटीजन उन राइट्स को एक्सेप्ट कर। जो एक्सेप्टेंस है इन ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल लेवल पे वो दर्शाती है कि क्या इम्पोर्टेंस है उन राइट्स की, कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है वो राइट्स। इसीलिए हम 10th दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज ह्यूमन राइट्स डे। इंडिया बिलीव करता है राइट्स में इंडिविजुअल के, और इसीलिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव है कि इंडियंस जो है उनकी ह्यूमन राइट्स जो है अपने खुद के सिटीजन्स की वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। इसके अलावा इंडिया ने वकालत करी है कि हमें सुरक्षित रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए जो ह्यूमन राइट्स है सिटीजन्स की पूरी दुनिया में। हमेशा वो वकालत करता है कि खाली हमारे ही कंट्री के नहीं, पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उन सबकी ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित करना चाहिए। इसके अलावा इसने बहुत सारे ऐसी कोशिशें भी करी हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है सिटीजन्स की वो उनको जो है मिलती रहे। कंप्लायंस जो है, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो एक तरीके से इन ह्यूमन राइट्स का एक ओबीडियंट तौर पे उसको फॉलो कर। इंडिया जो है बिलीव करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस का है उसमें,
और हमेशा कोशिश कर रहा है कि उसको जो है सही तरीके से लागू किया जाए और सुरक्षित रहे। हमेशा ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, यानी रंग भेद जो होता है उसके खिलाफ है, जो कि पूरी दुनिया में एक तरह से हो रहा है। और इंडिया ने हमेशा अपना योगदान दिया है कि किसी तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, जो कि कंट्रीज में चल रहा है। फिर देखते हैं इंडिया की अप्रोच कैसी है डिसआर्मामेंट के प्रति। डिसआर्मामेंट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है एस्टैब्लिशमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए, पीस और सिक्योरिटी पूरी दुनिया के अंदर। आर्मामेंट यानी कि हथियारबद्ध लड़ाई या लड़ाई झगड़ा। डिसआर्मामेंट मीन्स कोई हथियार ना उठा। तो अगर डिसआर्मामेंट सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है किसी भी पीस और सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश और मेंटेन करने के लिए पूरी दुनिया, जो आर्म्स की रेस है नेशंस के बीच में वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अलग अलग तरीके के वेपन्स क्रिएट किए जा रहे हैं जिससे तनाव का माहौल एक तो पैदा हो रहा है और पूरा दुनिया में जो है ना लोग काफी ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियस ही बात है, एक चिंता का विषय है। न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो होते हैं जो पूरी दुनिया को एक क्षण के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि कोई भी बहुत ही ज्यादा जो डेडली और डिस्ट्रक्टिव वेपन, जैसे कहते हैं ना घातक और खतरनाक वेपन से, उनको खत्म किया जाए दुनिया से। और ये कैसे हासिल किया जा सकता है, जब हम डिसआर्मामेंट की तरफ थोड़ी सी आगे बढ़त बनाए। जनरली क्या होता है, डिसआर्मामेंट का मतलब हुआ है पूरे तौर पे खत्म करना वेपन्स को, उन वेपन्स को जो से एक पूरे मास जो है डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कहते हैं ना लोग के लोग हजारों की संख्या में मर जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। क्यों? जो ये जो वेपन्स होते हैं ये इतने घातक होते हैं कि इनका एक ब्लो जो है पूरे पूरी जगह साफ कर देता है। तो डिसआर्मामेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर उनका काम क्या है कि रिड्यूस करना है, रेगुलेट करना है और एलिमिनेट करना है वेपन्स को, कम करना है, चलाना है, कंट्रोल करना है और खत्म करना है वेपन्स। रिडक्शन और एलिमिनेशन जो वेपन्स का है डिसआर्मामेंट में, उसके अलावा यहाँ पे जोर दिया जाता है कि जो रिडक्शन है साइज में मिलिट्री फोर्सेस की नेशंस के, उनको भी कम किया जाए। भाई आप जब लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी मिलिट्री फोर्सेस की जरूरत क्या है? तो खाली डिसआर्मामेंट में वेपन्स का ही एलिमिनेशन, रिडक्शन या रेगुलेशन नहीं है, रिडक्शन साइज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस का भी है। जो लीग ऑफ नेशंस है वो कोशिश कर रहा है डिसआर्मामेंट की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, काफी ज्यादा कोशिश करे, बहुत इंटेंसिव एफर्ट्स जो है वो करे गए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस डायरेक्शन में डिसआर्मामेंट। जो हेग पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब से लेके बहुत सारी ऐसी समिट्स यानी मीटिंग्स हो चुकी हैं डिसआर्मामेंट से संबंधित। इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन समिट्स में, डिस्कस करते हैं और खास तौर से एक उनका डेलिबरेशन है, एक उनका मतलब वो है प्रोग्रेसिव है कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए। इंडिया ने जो है एक तरह से हासिल किया है वर्ल्ड ओपिनियन डिसआर्मामेंट को लेकर, जब उन्होंने डिस्कशन किया था जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस में, एक तरह से पूरी दुनिया की क्या राय है उसको जानने की कोशिश करी। इंडिया हमेशा से वर्ल्ड पीस की तरफ आगे बढ़ा है और वो डिसआर्मामेंट की वकालत करता है। इंडिया मानता है कि जो यूज है न्यूक्लियर एनर्जी का पीस और वेलफेयर जो है उसके लिए होना चाहिए, लोगों की ना कि क्या कहते हैं जो यूज है न्यूक्लियर एनर्जी का वो दुनिया को तबाह करने के लिए। रोल ऑफ स्टेट विद रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन, अब देखते हैं स्टेट का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन के संबंधित। 1991 में इंडिया ने एक बिल्कुल नई इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक नीति अपनाई। इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरीके से इंडिया के अंदर साइमल्टेनियसली होने लग गया। लिबरलाइजेशन यानी चीजों में छूट देना, प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट गवर्नमेंट हर चीज को जो कर रही है उसकी जगह उसको प्राइवेट कंपनीज को देना, और ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड वाइड। कौन से अब ऐसे जो तीन प्रोसेसेस हैं ये वाले, इनका इनको लेकर स्टेट का क्या रोल रहा वो देखते हैं। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी, जबकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहर की दुनिया से संबंधित है। दोनों ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं, ये एक दूसरे से काफी क्लोजली जुड़े हुए हैं।
अब समझने की कोशिश करते हैं ब्रीफ में कि कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, लिबरलाइजेशन का और प्राइवेटाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन की वैल्यू जो है उसके इकोनॉमिक यानी आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित है, इसीलिए कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां नेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो मर्ज होती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के साथ। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मीन्स जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें छूट मिलना, आपको थोड़ी सी ढील देना। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी से गवर्नमेंट ने जो है जो रूल्स रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस हैं खासतौर से ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज से रिलेटेड उनको रिलैक्स किया, उनको छूट दी इन सब में, ताकि जो हमारा नेशन है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ सके। जैसे लाइसेंस या परमिट राज जो था उसे खत्म किया गया, रिजिड गवर्नमेंटल प्रोसेस था कि परमिशन लेनी पड़ेगी इंडस्ट्री के लिए ट्रेड के लिए, उन सब में छूट दी गई। कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट पे थी एक्सपोर्ट पे थी या तो उसको खत्म कर दिया गया या फिर उसमें थोड़ी सी कमी करी गई, ढील दी गई। तो ये था आपका लिबरलाइजेशन। दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कन्वर्जन, जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग थी उनको प्राइवेट अंडरटेकिंग, मतलब ये जो प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन का इसमें इंडस्ट्रीज सर्विसेज ट्रेड्स जिनकी भी ओनरशिप जो अभी तक स्टेट की थी या जो स्टेट जो है उनके उनके बिजनेस संरक्षण में चल रही थी, अब वो सब जो है कन्वर्ट कर दी गई प्राइवेट सेक्टर। जो भी स्टेट की इंटरफेरेंस थी, दखलंदाजी थी प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइस कंट्रोल में गुड्स के सर्विसेज के, उनको कम किया गया। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जैसे स्टेट अकेला सॉल्यूशन नहीं दे सकता हमारी सारी प्रॉब्लम्स के, वही वही सेम चीज मार्केट के लिए भी अप्लाई होती है। दोनों में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर स्टेट जो है वो हार जाता है पहुंचने में तो मार्केट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और जहां मार्केट नहीं पहुंच सकता वहां स्टेट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और जहां स्टेट फेल हो गया तो मतलब सिचुएशन पहुंच गई इमरजेंसी तक, सीवियर इमरजेंसी जो होती है वहां तक पहुंच गई। यस, और वहीं पर अगर हम देखा जाए तो इंटरेस्ट सोसाइटी का है हमारी, और अगर हम अपना चाहते हैं कि जो वीकर सेक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट हो, उसका वेलफेयर हो, उसकी भलाई हो, जो डिप्राइव्ड रिजर्व ग्रुप्स हैं उनकी, तो ऐसे में स्टेट का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। ये रोल्स और फंक्शंस जो है मार्केट को नहीं दिए जा सकते, तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब आता है ग्लोबलाइजेशन। आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का है, लिबरलाइजेशन का है, प्राइवेटाइजेशन का, लेकिन जो रोल है स्टेट का उसको बदला नहीं गया है, कम नहीं किया है, बल्कि उसको बदल दिया गया, उसमें चेंज कर दिया। मींस हम आजकल किस दौर में से गुजर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन भी है, लिबरलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन। ऐसा नहीं है कि स्टेट का रोल जो है वो खत्म हो गया है, कम हो गया, उसको चेंज किया गया। अब कुछ फील्ड्स हैं वो हो सकता है पीछे हो गई हो, पर उनका बहुत ज्यादा एक्टिव रोल होता है, खास तौर से इम्पोर्टेंट फील्ड। जो ग्लोबलाइजेशन की लहर है वो आप कभी रुकनी नहीं, बहुत सारे इसके कॉजेज और फैक्टर्स हैं। ये जो कॉजेज और फैक्टर्स हैं या फोर्सेस और फैक्टर्स हैं इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, उसने स्पीड पकड़ी, और ये काफी लंबे समय तक आगे चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके अपने डिसएडवांटेजेस। पॉसिबिलिटी डिसएडवांटेज की जो है कैसे हो सकती है, खास तौर से किनको होगी, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए डिसएडवांटेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर दिया है, लेकिन साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटी भी दी है, मौका भी दिया है। अगर हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन को रोक सके, तो हमें अपनी जो पोटेंशियल है, अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाना होगा, और जो भी चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा, उसके लिए तैयार रहना होगा। और यहाँ पर स्टेट का एक बहुत इफेक्टिव रोल होता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे। ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।